दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अस्पतालों में है ऑक्सीजन की कमी, कई अस्पतालों में 3 से 4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई बची हुई है, वहीं कई अस्पतालों में अगले 10 से 12 घंटों में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। दिल्ली के लिए स्थिति बहुत गंभीर है, हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया है कि दिल्ली की ओर ध्यान दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हो चुकी है, तो कोरोना काल में ये स्थिति काफ़ी भयावह होती हुई दिल्ली की। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है जहां पर मनीष सिसोदिया ने यह बयान दिया है। कहीं भी एक भी बेड का योगदान होगा तो वो तो सहायक ही होगा। सर, आपने एक ट्वीट भी किया था ऑक्सीजन की कमी को लेकर, वो उसका ऑक्सीजन का क्या अभी इस समय मैंने अभी स्टेटस लिया है। हाँ। और दिल्ली के बहुत सारे अस्पतालों में जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, उनमें इस वक्त ऑक्सीजन की काफ़ी शॉर्टेज है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ मुश्किल से 3-4 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है। कई हॉस्पिटल ऐसे हैं जहाँ 10 से 12 घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म हो सकती है अगर उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं दी गई, सप्लाई नहीं की गई। तो कई जगह जैसे अभी मेरे पास में आया बत्रा हॉस्पिटल में 3 घंटे की ऑक्सीजन सप्लाई है, गंगाराम में कम है अभी, गंगाराम का भी इसमें था, बालाजी हॉस्पिटल में अगले 24 घंटे के लिए है, 32 घंटे के लिए गंगाराम में है। इस तरह से एक एक हॉस्पिटल का मैं रिपोर्ट ले रहा हूं। हाँ। तो ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, हमने इसीलिए केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है कि देश की राजधानी में जहां आसपास के राज्यों से भी मरीज़ आ रहे हैं, दिल्ली के अपने मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।